आइए एक और नए टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन अब सीखते हैं। और ये नए टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे सामने है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p into y is equals to q, जहां पर ये जो p और q हैं, ये या तो कांस्टेंट है जी, या फिर फंक्शन ऑफ x है। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोला करते हैं। यानी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, करेक्ट। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं जी, किस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज जाननी है और उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आगे चलकर के हम शॉर्ट में IF भी लिख दिया करेंगे जी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, y या दोनों की फॉर्म में एक ऐसी टर्म होती है जिसको आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंप्लीटली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी सारा का सारा पोर्शन डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डी बाई डी एक्स की टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन आप उसका इजिली कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारे पास ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यानी ये जो p यहां पर आपके पास है, यानी पहले आप इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए अपनी इक्वेशन को जो भी थी आपके पास, और उसके बाद आप p और q चूज कर लीजिए एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसका कुछ रिजल्ट निकल आए, फिर क्या करेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन के जो नंबर वन डाला है उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर। चलिए हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो लीजिए जी, मैंने e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया डी वाई बाई डी एक्स को, मैंने e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया p इंटू वाई के साथ भी, और e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स के साथ मैंने राइट हैंड साइड वाली टर्म क्यू का भी मल्टीप्लाई किया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, वो लेफ्ट हैंड साइड तो कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड मेरा कन्वर्ट हो गया डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी। चाहो तो चेक भी कर लो कि जी क्या इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आएगा, बिल्कुल आएगा जी। देखिए फर्स्ट फंक्शन ये लो जी, फर्स्ट फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ये y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx, यानी इस चीज का डेरिवेटिव करने के बाद ये आ जाएगा जी। इसका मतलब है इस ऊपर वाली चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स की टर्म में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कंप्लीटली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जब आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो
इंटीग्रेशन के बाद आपके पास क्या बनेगा जी, लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी आपके पास y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जबकि राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू और डी एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो y मेरे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर नेगेटिव इंटीग्रल पी डी एक्स और इनसाइड e रेज टू द पावर इंटीग्रल इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स और प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसकी नेगेटिव पावर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c, ये सॉल्यूशन आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता है, करेक्ट। आइए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बेटर समझ में मुझे आएगा जी। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम, ये मेरे सामने है। अब इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया सॉल्व x dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब। अभी तक हमने दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, पहली तो थी जी वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी थी होमोजेनियस, अब ये तीसरी और आ रही है। तो अगर मैं चेक करूं कि क्या ये होमोजेनियस तो नहीं है, आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे ये y ओवर x बन जाएगा, होमोजेनियस में होता है ऐसा, लेकिन इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो ये y ओवर x की फॉर्म नहीं बनने वाली है, ये x का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले x से डिवीजन करें तो आपके पास आएगा dy ओवर dx माइनस y ओवर x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसको अब कंपैरिजन करें dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो p के प्लेस पर आपको क्या दिखता है जी, p के प्लेस पर तो दिखता है माइनस वन ओवर x और q के प्लेस पर दिखाई देता है आपको 2x स्क्वायर, ठीक है। यानी जो फॉर्म हमने आपको बताई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, p एंड q मैंने बोले थे या तो कांस्टेंट होंगे जी या p और q फंक्शन ऑफ x होंगे जी, यहां तो p और q फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहे हैं जी आपको। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि आपको फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, यानी e रेज टू द पावर नेगेटिव 1 ओवर x उसका इंटीग्रेशन dx, यानी e रेज टू द पावर नेगेटिव log ऑफ x, या जिसे कह सकते हैं आप e रेज टू द पावर log ऑफ x टू द पावर माइनस 1। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल हो जाएंगे जी, बचेगा कौन x के पावर माइनस 1, यानी आपके पास बचेगा 1 ओवर x, ये 1 ओवर x जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया जी, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जी। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कि लीनियर थी हमारे सामने नंबर फर्स्ट जिसे बोला था हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, यानी ये जो नंबर वन इक्वेशन मेरे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से, ऐसा बताया था मैंने आपको पीछे, ठीक है। आपने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ वन
बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। देखिए जी, 1 ओवर x का मैंने मल्टीप्लाई किया dy बाई dx के साथ, 1 ओवर x का मैंने मल्टीप्लाई किया इस y ओवर x के साथ, और 1 ओवर x का मैंने मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर के साथ। तो 2x मेरे पास आ जाने वाला है। इसके मल्टीप्लीकेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है, ये बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये 1 ओवर x था, चेक कर लो, फर्स्ट फंक्शन y, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन y ओवर x, 1 ओवर x एज इट इज, y का डेरिवेटिव, यानी इस चीज का डेरिवेटिव करने के बाद ये चीज आ रही है। इसको हमने इस तरह से बांध लिया जी, ठीक है, और इज इक्वल टू, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया था जी, वो आ गया जी मेरे पास 2x। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर लें जी बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये तो डेरिवेटिव इंटीग्रेट करोगे, ये तो खाली y इंटू 1 ओवर x रह जाएगा, केवल उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, 2x का इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो y ओवर x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, यानी आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस c इंटू x, ठीक है, इस x से मल्टीप्लीकेशन का। तो देखा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी प्रोसीजर से हमने इसको फाइंड आउट करना सीखा जी। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं जी, अभी आइए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स। देखिए जी, इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो फॉर्म है जी ये मेरे पास, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये आ गया जी आपके पास। अब अगर कंपैरिजन करें तो पी का वैल्यू आपके पास है एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है जी मुझे, अब हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल pdx, यानी e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब यहां देखिए, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। यहां देख रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं है, लेकिन बन सकता है। कैसे बन सकता है जी, अगर मैं ऊपर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर माइनस टू से डिवाइड कर दूं, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मैंने नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया, तो मेरे पास आ गया e रेज टू द पावर नेगेटिव 1 बाई 2। जब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर हो और नीचे कोई अंडर रूट वगैरह ना हो,
तो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ नीचे वाली वैल्यू, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस 1 बाई 2 आगे है जी आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, या कह दीजिए 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया जी, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए जी इस इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई नंबर 1 बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या कहा था जी मैंने, मैंने कहा था जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा d बाय dx ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा q, q आपके पास है ax 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब आइए जी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, या चलिए एक स्टेप और लिख लेता हूं, d by dx of y divided by under the root 1 minus x square is equals to ax divided by 1 minus x square की पावर, देखिए 1 ये है, हाफ ये है, तो ये पावर हो गई 3/2, दिस पावर इज 3/2, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा ax 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं जी बोथ साइड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं जी बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेरिवेटिव के फॉर्म में था, वहां तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, वो तो y डिवाइडेड बाय दिस, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है वो है ये, तो चलिए आउटसाइड ले लेता हूँ, यहाँ पर है x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सेपरेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस इंटीग्रेशन को हम जब सेपरेट कर रहे हैं तो यहां पर हम लेट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी -2x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी आपके पास आ गया x dx इज इक्वल्स टू -dt अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए जी इंटीग्रेशन जो आपके पास था x और dx, ये तो आ गया -dt और अपॉन में ये 2, ठीक है, नेगेटिव, इसे आपने क्या पुट किया t, तो t टू द पावर
नेगेटिव 3/2, एक्स डी एक्स हो गया नेगेटिव 1/2 डीटी, यानी आपके पास आया -1/2 टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर -1/2 अपॉन में भी -1/2 जो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया 1/√t, यानी 1/this, इसकी पावर नेगेटिव हाफ कह दीजिए या प्लस हाफ कह दीजिए, इट मीन आपके पास जो इंटीग्रेशन आ गया दैट इज 1/√(1 − x²). ठीक है, आइए जी यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे। कितना आया मेरे पास, मेरे पास आया y डिवाइडेड बाई √(1 − x²), नेगेटिव कैंसिल हो गया था, a ऑलरेडी आपके पास यहां पर आउटसाइड है a, और इसका इंटीग्रेशन आपने कर लिया 1/√(1 − x²) प्लस कांस्टेंट c और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो अब जब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा y = a + c · √(1 − x²), जहां पर c आपको मालूम ही है आर्बिट्री कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, बस जी इस सेक्शन में अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, आगे भी कुछ बातें होंगी लेकिन नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू, थैंक यू।